नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मो पूर्व बुलेटिन रही वर्तमान समय अनेक दमदार खबर ताप नजर पकाइबा। प्रथमे हेडलाइंस, गभीर अवपात रूप नेला लघुचाप, उत्तर उपकूल ओडिशारे प्रबल वर्षा, चांदबाली देई भोर्रु अतिक्रम कला स्थलपथ, ट्विन सिटी पई आगामी 6 घंटा पई सतर्कता जारी। लगाण वर्षे बेहाल सिल्वर सिटी, बुड़िला बादामबाड़ी पटापोल सह तलिया अंचल, अलारनाथ और आरडी मंदिर रे पानी, जलेश्वर रे विपद संकेत उपरे जलका। मूर्ति उच्चता और आबद्ध पूजा प्रसंग, राज्य सरकार निष्पत्ति विरोध में बीजेपी 12 घंटिया कटक बंद डाकरा, दाबी पूरण नहबा जाए आंदोलन जारी रखा को चेतावनी। गुजरात में फेरिला पटेल राज, आज दिन दुईटे मुख्यमंत्री भाव शपथ ने भूपेन्द्र पटेल, जोगदेवे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह, विधायक दल बैठक पर निष्पत्ति। संवेदनहीन संबित, सहायता आशे आसुवा रोगी को टंका दे दायित्व सारी देउछन्ति पारादीप विधायक, रोगी को विधायकों टंका दरकार ना दरकार, विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार लाभ उठिला प्रश्न। राज्य में 500 तलकू खसिला दैनिक संक्रमण, 24 घंटे 471 नुआ पॉजिटिव, खोर्धारु सर्वाधिक 126 केस, सेबड़े 6 जीवन नेला भाइरस। बाहरीन रे ओडिया श्रमिकों निर्यातना घटना, समस्त प्रकार सहयोग जोगाई देवा को प्रतिश्रुति देले बाहरीन श्रम मंत्री, स्थानीय सरकार और भारतीय दूतावास जोगाजोग कले ओडिया समाज सभापति, प्रवासी ओडिया श्रमिकों सुरक्षा पर प्रचेष्टे डॉक्टर अरुण प्रहराज। देखा संपूर्ण खबर, गभीर अवपात रूप नेला बंगोपसगर में सृष्ट लघुचाप, चांदबाली दे भोरु अतिक्रम कर स्थलभाग, वर्तमान यह उत्तर पूर्व बंगोपसगर और ओडिशा उपकूल में सक्रिय रही है, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा प्रति 5 किलोमीटर बेगरे गति करुछि, आसंता 48 घंटा मध्य मध्यप्रदेश आड़क गति कर, परवर्त 24 घंटा मध्य दुर्बल हो अवपात परिणत हो सूचना देखिए पाणीपाग केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आकलन अनुसार सकाल 8:30 रु 13 तारीख 8:30 मध्य पुरी में सर्वाधिक 341 मिलीमिटर, पारादीप 219 मिलीमिटर, भुवनेश्वर 195 मिलीमिटर, बालेश्वर 24, चांदबाली 46 और गोपालपुर 64 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड कर। कटक और भुवनेश्वर सहरवासी को आसंता 6 घंटा पर सतर्क रहा परामर्श दे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एठारे घंटा को 2 रु 3 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होगा नहीं आकलन करापड़ी। ट्विन सिटी तलिया अंचल जलमग्न हो पाए, एणु जल निष्कासन लगी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुई, एपरिक घर बाहर को न जा लग भी पाणीपाग केन्द्र पक्षर जनसाधारण को परामर्श दिया। डिप्रेशन टी गोटे डीप डिप्रेशन हिसाब से ओडिशा कोस्ट को चांदबाली निकट आज सका 5:30 रु 6:30 मध्य अतिक्रम कर प्रभाव में ओडिशा रे वर्तमान प्रबल अति प्रबल वर्षा लगी रही। कटक भुवनेश्वर मध्य आसंता 6 घंटा पाई वर्षा लगी रही, धीरे धीरे आभ्यंतरीण अंचल वर्षार परिमाण बढ़िया लगे। आसंता 24 घंटा पाए ओडिशा रे प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा विशेषतः आभ्यंतरीण जिला मानक एवं धीरे धीरे उपकूलवर्ती जिला मानक वर्षार परिमाण कमे लगे। आज से ही एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अल्प कतोटि स्थान में ही पारे एवं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल किसी अंचल संभावना रही है। कल राति अवपात परिणत होता ता आज सका 5:30 एक गभीर अवपात डीप डिप्रेशन में परिणत हो सका 5:30 रु 6:30 मध्य यह उत्तर ओडिशार उपकूल अंचल जोटा कि चांदबाली पखापाखी अंचल को अतिक्रम कर वर्तमान आमर जहाँ अनुमान रोचे आगामी 24 घंटे यह दुर्बल हम सामान्य एवं गोटे अवपात रूपातरित हो 48 घंटा मध्य आगामी 48 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा उत्तर छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश दई अतिक्रम कर संभावना रोचे।
आमर गत काली जो वार्निंग जारी कर आज मध्य पांचटी जिला को आमर रेड वार्निंग जारी कर किछि किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा 12 सेंटीमीटर रु 20 सेंटीमीटर एवं गोटे रु दुईटी स्थान रे अत्यंत प्रबल वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षार संभावना रहउछि। जिला गुडी कहउछि हमर संबलपुर देवगढ़ अनुगुल सोनपुर एवं बरगढ़ ए जो पांच जिला को हमर रेड वार्निंग जारी कर जाइछि। ता छोडा ऑरेंज वार्निंग मध्य किछि जिला को जारी कर जाइछि जेउठारे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना रहउछि। जिला गुडी कहउछि बलांगीर झारसुगुडा सुंदरगढ़ बौद्ध केउझर ढेंकानाल खोर्धा जगतसिंहपुर पुरी एवं कटक। सेपटे लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो जगतसिंहपुर जिले में जीवन यात्रा व्याहत चारिआड़े जलार्णव हो गत अनवरत वर्षा लगि रही फल लोके पदा को बाहर संभव होना सका रास्ताघाट सुनसान थिबार देखा मिले। गत रात बहु परिमाण वर्षा जो बिलवाड़ी बुड़ा सहित लोक घर भितर पा पशि एरसमा और बालिकुदा अंचल चिंगुड़ी घेरीगुड़िक पानी में बुड़ जा चिंगुड़ी चाषी मैंने व्यापक क्षतिग्रस्त होती। मानस कानून को आम जगत सिंहपुर प्रतिनिधि अच्छा सीधासल नहीं चलु अधिक सूचना पाई। मानस राज्य तमाम लगाण वर्षा एवं जगत सिंहपुर जिले में गत काली रात प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होता सूचना आसी पहुंचुची जिलार हाल एवं कौन? हाँ देखु अपूर्व जगत सिंहपुर जिले में स्थिति संगीन रही जिभली भाव में गत दुई दिन लगाण वर्षा रही जहाँ को लेकिन जनजीवन अत्यस्त हो पड़ी जहाँ को लेकिन घरे पा पशिजी और बिल बारी चारिड़े जलार्णव हो कैमेरा पर्सन कहबी किभली भाव में जगत सिंहपुर जिला समेत समस्त ब्लक बालिकुदा कहतु एरसमा कहतु नाउगा कहतु समस्त अंचल बिल बारी पा जलार्णव हो गए कृत्रिम बनार भ्रम सृष्टि कैमेरा पर्सन कह किभली भाव में जो बिल उपर छ फुट रि जमी जहाँ को लेकिन गोटे कृत्रिम बनार भ्रम सृष्टि जो चाष जमी गुड़िक रही चाष जमी उपर छ फुट रहा फल धान चाष व्यापक क्षतिग्रस्त होबार संभावना रही किभली भाव में जल निष्कासन हम जल जो जगत सिंहपुर जिले में ड्रेनेज व्यवस्था सुबंदोबस्त ना जहाँ को लेकिन जल निष्कासन हो पार नहीं लोक मान भितर जो धान चाष को लेकिन जो भाई भय संचार होती धान चाष व्यापक भाव में क्षतिग्रस्त रही लोक मान कि भाव में प्रशासन निकट में बारंबार दाबी कर ड्रेनेज व्यवस्था सुविचार हो पार नहीं जहाँ को लेकिन उद्भुत वर्षा जल आज बाहर को जापार नहीं आउ गोटे कथा कही रखी जितेबाड़ जगत सिंहपुर जिले में गत काली रात 9 आज सका 9 भितर सर्वाधिक 440 मिलीमिटर वर्षा बालिकुदा ब्लक रेकर्ड कर गोटे जिलार सर्वाधिक रेकर्ड कह सहित जो सहर तली अंचल रही तल अंचल रही घरे घरे पा पशिच लोकर घर भांगी बड़ बड़ गच गत काली रात जितेबाड़े 100 रु अधिक बेगर पवन बहुत लोकर घर उपर छोट छोट गच भांगी पड़ी और केतक जगार गचुड़ी पड़ी जो पवन में जहाँ को लोक मितर गोटे भय संचार है जदि यहीपरी रकम वर्षा बीतवा लग रहा निश्चित भाव में गोटे बड़ अघटन घटव चाष व्यापक प्रथम प्रतिक्रिया तो कि चाष क्षतिग्रस्त रही चाष आज्ञा तो जदि दुई दिन भितर पा न कमला तेल संपूर्ण रूपे धान गाछ मरीज चाषर आउ कि भी रही नहीं परिवार संपूर्ण भाव क्षतिग्रस्त हो गलानी घरे पा पशिला जातायात असुविधा गोरु गाई जो मैंने गृहपात पशु से मानी खाद्य बर्तन संग्रह करवा भी कष्टसाध्य हो गला घर तो फुटे उचार पा पशिगला बिलेर तो देख ला 7-8 फुट उचार पा चल चाष जमी तो गला आउ पशु जंतु तो घरे से पानी भितर ठिया निश्चित भाव में आम पाखे आउ जन चाषी अच्छा जो चाष व्यापक भाव में क्षतिग्रस्त रहा किभली भाव में चाष करते धान बिल जो पा मारी कौन देखुं कि चाष जमी तो सब जलानव हो गला 6-7 फुट पा ठिया गोरुगाई कूटा छण जहाँ थे से सब बाड़िया भितर पा पशि से सब भाषि जाऊँगी आ बर्तमान लोक मैंने भी खायाप गोर गाई खायाप समस्त प्रकार हईराण होगा पड़ू चाष हबार कि ठीक ना ना कौन आसव चाषी धर पैसाटे कौन सी विश्वास भी ना धान बिल उपर जो 6 फुट रा जमी समस्त भितर चाष व्यापक क्षतिग्रस्त संभावना रही किभली भाव में जहाँ आम जिलापा आलोचना करूँ जगत सिंहपुर जिले में जितेबाड़े व्यापक जलार्णव होती व्यापक अंचल
ଏସମା କୁହନ୍ତୁ ବାଲିକୁଦା କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍କାସ ରହିବ ଧାନ ଜମିରୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ରହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବାକୁଟେ କରାଯିବ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳରୁ ଏମାନେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଏହିପରି ରାଗି ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଜମିରେ 6 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିକରି ରହିଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ରୋଷେଇ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ କରିବେ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅପୂର୍ବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ କାନୁନଙ୍କୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗତସିଂହପୁର ସିଧାସଳଖ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ବିଲ ଉପରେ ବା କ୍ଷେତ ଉପରେ 6 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲାଗି ରୁହେ ତାହେଲେ ଚାଷବାସ କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ 2000 ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ମହିଳା ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଭଳି ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଭାବେ 2 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି। ପିପିଲିରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପିପିଲି ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏନ୍ଏସିର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। ସେ ଘରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ବୋହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଇଏ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କଥା ନୁହେଁ, ପିପିଲି ଏନ୍ଏସିର ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ, 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର ଇଏ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଘରର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଅଜଳା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ବର୍ଷା ହେଲା ପରଠାରୁ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି? ବର୍ଷା ହେଲାଠୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ବସିଯାଇଛି, ରୋଷେଇ ବାସନ ଖାଇ ଖିଆ ପିଆ ବି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା। ଏ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଅଛୁ, ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ପାଣି ବସି ଘରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷର ଘଟଣା ଏଇ। ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ବି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଖଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଠି ରହିଛି TV ଠୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଘର ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଖଟ ଉପରକୁ ସବୁ ଥୁଆଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଛନ୍ତି ଏ ଘରର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଘରର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏନ୍ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହେବାର। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧାଟା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ। 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବେ, ଆ କରିଦେବୁ ତା କରିଦେବୁ କହିକି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ବିଗତ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶାସନ ଭାରରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଛୋଟିଆ ସକାଳ ଘରଟେ, ସେ ଭିତରେ ଢାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ବସିଛି। ଅଛନ୍ତି ଏ ଘର ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେଲା ଚଳୁଛନ୍ତି? 2 ଦିନ ହେଲେ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ପାଣି ତ ଘରେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସିଏ ବି ଭୋର 5ଟାରୁ ପଳେଇଲେ ଘରେ, ଯେମିତି ପାଣି ପଶିଗଲା ସେ ମେଲାକୁ ପଳେଇଲେ।
ଘରେ ପଶିଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ପହର ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରହିଲା, କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେ ପୁରା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛୁ ପାଣିରେ। କିଛି ରୋଷେଇବାସ କିଛି ନାହିଁ, ଏନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଲେ ଜଳଖିଆ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଲି ଖାଇବାକୁ ଏନେ। चित्र आसुथला पिपिलीरु, पिपिली एनएस रे केमोली भाबे अव्यवस्था चित्र सामनाकु आसिछि, लोकंक घरे पाणी पसिछि, तहार सिधातलक अधिक सूचना देउथलम प्रतिनिधि दुर्गा माधवपुरडा। अर्गस अपडेट आगु रहिछि आहुरी अनेक दमदार खबर, तापे नजर पकाइबा ब्रेक परे। ब्रेक स्वागत। प्रबल वर्षा जो आज बार जिले में स्कूल बंद, रेड वार्निंग बारोटी जिले में आज और आसंता काली स्कूल बंद घोषणा करा सूचना देते गणशिक्षा मंत्री। गत काली सातटी जिला रेड वार्निंग जारी करा बेले आज पांचटी जिला रेड वार्निंग जारी करा यह सब जिले में स्कूल छुट्टी रहिबो। पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल और नयागढ़ जिले में स्कूल बंद रहिबो। यहाँ सहित संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, सोनपुर और बरगढ़ जिले में आज स्कूल छुट्टी घोषणा करा जाई छे। तो बारटी जिले में आज और आसंता काली स्कूल को बंद घोषणा करा जाई छे। एने गणशिक्षा मंत्री सूचना देते जो बारटी जिले में रेड अलर्ट जारी करा जाई छे, जो बारटी जिला को से बारटी जिले में आज और आसंता काली दुई दिन स्कूल बंद रहिबो। बर्षार बेहाल राजधानी रे व्यवस्था को नहीं बर्षिले सांसद अपराजिता षडंगी। आज सकाळु रेलवे स्टेशन अंचल परिदर्शन करथिले अपराजिता, एही अवस्था रे लोकंक अवस्था देखि ट्वीट करि निज असंतोष व्यक्त करिछन्ते। राज्य सरकार 21 वर्ष धरि कुंभकर्ण निदरे सोइथिबा अभियोग करिछन्ते भुवनेश्वर सांसद। ड्रेनेज व्यवस्था को नहीं प्रश्न उठाइछन्ते अपराजिता षडंगी। विपद संकेत टपिला जलकान दी। बालेश्वर मथानी ठारे विपद संकेत 5.50 मीटर थिबा बेले दिन 10टा सुधा 5.52 मीटर रे प्रवाहित होउछि नदी जल। नदीर उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु बन्या आशंका करा जाउछि। बन्या हेले बस्ता ब्लकर 7टी और सदर ब्लकर 2टी पंचायत प्रभावित हेबार संभावना रहिछि। सेपटे पुरुणा भुवनेश्वर कोटी तीर्थ गलीस्थित सुवर्ण जलेश्वर और स्वर्ण जलेश्वर मंदिर भितर पानीर सुअ छुटुछे। मंदिर पाखे नाल उपर बेआईन भाव एक छोट पुल निर्माण जो नाल पानी जो स्थानीय लोक मैंने जलबंदी अवस्था रही जहाँ नहीं स्थानीय अंचल असंतोष देखाई। परवर्ती खबर आसुच्छी केन्द्रापड़ लगाण वर्षा केन्द्रापड़ अघटन, माटी कांथ पड़ जने वृद्ध मृत। मृतक हेले पाटकुरा थाना बड़ बड़बतरा गाँवर 60 वर्षीय अभय महापात्र। गतकाली विलंबित रात्रि सोइथिबा अवस्था कांथ पड़जार मृत्यु होइछे। सेबड़ मार्साखाई ब्लक रामचंद्रपुर गाँव में अल्पके बर्तिले दुई शिशुपुत्र। गाँवर जितेन्द्र सेठी निज परिवार सह सोइथिबा बेले घरर कांथ भांगी जाइथिला। तेबे दुई शिशुपुत्र सह जितेन्द्र और तांका पत्नी को ग्रामवासी उद्धार करथिले। मूर्ति उच्चता और आबद्ध पूजा प्रसंगे कटकिया भावावेग सह खेल। एने राज्य सरकार निष्पत्ति सहजरे ग्रहण करपारुनाहांती कटक बासिंदा। उच्चता सहित तो कोविड्र कौन संपर्क रही तार उत्तर खोजुंत कटकवासी। राज्य सरकार अजब निष्पत्ति विरोध कर आज कटक बीजेपी पक्ष 12 घंटिया बंद डाकरा दीजिए। यह बंद में सामिल होगा बीजेपी पक्ष समस्त पूजा कमिटी को अनुरोध कर दाबी पूरण ना जाए आंदोलन जारी रही चेतावनी देती बीजेपी। अनेपटे राज्य सरकार का निष्पत्ति को नहीं कटक बीजेडी भितर मतभेद सामना को आसी। निष्पत्ति को नहीं दल एवं दुईफा होता देखा मिले। शांति कमिटी बैठक में भर्तुरी महताब निष्पत्ति पुनर्विचार दाबी को नहीं बीजेडी नेता देवाशीष सामंतराय टार्गेट करने सह भर्तुहरी मंतव्य कटक विभ्राट सृष्टि कर।
मानसिकता भाव में भावुंच मूर्ति उच्चता कमेदे पर पथर पूजा आप विश्वास करते कोविड हटिज मुझे प्रश्न पचार गत काली सुंदरगढ़ जो भाई कार्यक्रम कले छोट पा आप राजनीति कले शताधिक कार्यकर्ता से सामिल थे आप प्रश्नर उत्तर दिंतु आज जो भाई भाव में नवीन बाबू हिंदू विरोधी सरकार ये शासन आम कर तालिबान शासन भले आमक लगुच कटकिया ये स्वाभिमान कथा आज शांति कमिटी पूजा कमिटी शह शह सामाजिक अनुष्ठान आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जन स्व मठ रखुद आज कटक सब दोकानी बजार बंधु मैंने आज बंद कर कटकिया ये सफल कथा आम निश्चित भाव आम सरकार को एक उपस्थापन करबो सरकार कान खोलिक शुणी नियो ये हिंदू विरोधी सरकार आम दरकार ना मूर्ति उच्चता कमीगले ये जो मानसिकता आप रख ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ଚିଲିକା କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ପାଣି ଫଳରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚିଲିକା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି ବର୍ଷା କମୁନଥିବାରୁ ବହୁ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି आसवा परवर्ती खबर को गुजरात को फेरला पटेल राज विधायक दल निष्पत्ति परे आज गुजरात मुख्यमंत्री भाव शपथ ने भूपेन्द्र पटेल रविवार गांधीनगर में अनुषित बीजेपी विधायक दल बैठक में सर्वसम्मति क्रमे भूपेन्द्र पटेल को विधायक दल नेता निर्वाचित कर राज्यपाल भेटी दाबी जनता बेले आज दिन दुईटे से गुजरात मुख्यमंत्री भाव शपथ ने कार्यक्रम में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जोगदेवे जमापड़े यार दुई दिन पर नुआ मंत्रिमंडल सदस्य माने मध्ये शपथ ने गुजरात बीजेपी मुख्य सी आर पाटिल सूचना देखते आगक 2022 विधानसभा निर्वाचन आसूरी जहाँ को आखि आगे रखि पटीदार संप्रदायर टाणुआ नेता भूपेन्द्र को मुख्यमंत्री करी बीजेपी राजनैतिक गोटी चल विशेषज्ञ माने मत दे मयूरभंज जशीपुर ठारे केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु को विपुल स्वागत संबर्धना जन आशीर्वाद यात्रा रे करंजिया उपखंड बुली देखिछंति केन्द्रमंत्री ए अवसर में दलय कार्यकर्ता माने मंत्री को बाइक रैली रे नगर परिक्रमा कराइबा सह आदिवासी वेशभूषा रे नृत्य सह मंत्री को स्वागत करथिले खिचिंग ठारे मां किचकेश्वरी दर्शन सह मंदिर समस्या संपर्क में पूजक एवं कर्मकर्ता सहित आलोचना करथिले केन्द्रमंत्री करंजिया ठारे पहुंचा पर मंत्री को विभिन्न अनुष्ठान पक्ष संबर्धना दि जाता 2023 सुधा केंद्रीय विद्यालय रेलपथ पर्यटन विकास कार्य शेष हो वक्तव्य कहते केन्द्रमंत्री मंच अलरेडी कम आरंभ कर दी आप कथा अलरेडी नूतन भाव उदार अस्थायी गृह निर्माण कर सारे ये अलरेडी प्रपोजल दे दीजिए कौटा कर रेलवे कथा मुझे आगु भी कही तीन तीन टा प्रोजेक्ट मयूरभंज आम अलरेडी प्रस्ताव दे सारी तार कम को आगे किंतु गोटे आश्चर्य कथा नरेन्द्र मोदी हम जापारे और रेल मंत्री आमको ओडिशा देने मुझे कथापुर सी मत निर्भर प्रतिश्रुति 2023 मसीहा सुधा आपणकर तीन टा प्रोजेक्ट कौटा आरंभ होटा हूँ तो आरंभ होगा जाऊ आ कि प्रक्रिया रे थिबो एही प्रकार कथा से मते प्रतिश्रुति देछन एवं मोर मते विश्वास अछि ए काम सहज रहै लगाण वर्षा उबुटुबु भद्र कारडीर बाबा अखंडलमणि मंदिर गर्भगृह में आंठुए उच्चे लहड़ी भांगुची पा फल सका नीतिकांति और मंगल आलती विलंब हो मटर पंप द्वारा मंदिर जल निष्कासन कर मंदिर प्रशासनिक अधिकारी सूचना देखते समस्त अर्गस अपडेट को ये रखुचु मत विदाय दिंतु नमस्कार।